बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जाहिद और आप सब देख रहे हैं बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। बर्ड्स ही बर्ड्स और पैराडाइज ही पैराडाइज, यहाँ पर मास्टर केज और बहुत कुछ यार। दोस्तों यार माशाल्लाह इनकी ब्रीडिंग बहुत आला बहुत ज़बरदस्त जा रही है। ये वो ग्रे कबूतरी है, उसका बच्चा यार पूरा माँ पे गया, इतना खूबसूरत। एक इसके पीछे बच्चा है, वो भी माशाल्लाह इसी एज का हो चुका हुआ है बिल्कुल। वो कभी कभी बाहर आता है, वैसे वो पीछे छुपा रहता है, बड़ा होकर ही बाहर आएगा। बाकी यार लगा के हाँ वो निकला हुआ है, वो देखें वो आराम से कॉर्नर पे उसी के पीछे चला जाता है बार बार। पानी मैंने डाल दिया, दाना देखे सुबह का, मैंने अभी मैंने जब डाला था ना फीड, तो ये इसी तरह पड़ा हुआ। इतना इन्होंने माशाल्लाह खा पी के ना फिट होके बैठे हुए हैं, तो लगा कि जो बच्चे हैं ना वो नहीं छोड़ते उसको, चाहे जो मर्जी हो। उन्होंने अंडे दे दिए, लेकिन वो देखें माशाल्लाह पोटे देखें फिट है, वो नर को नहीं छोड़ते यार। ये मुझे चीज़ अच्छी लगी है। तो मेरे एक दोस्त ने कहा था कि यार जाहिद भाई इधर ना पराली रख दें इस अंडे के ऊपर, तो अंडा इस मैंने पराली के ऊपर रख दिया ताकि यार ये यहाँ पर आराम से बैठ सकें, ताकि यार अंडा भी ख़राब ना हो। दोस्तों यार आज जो मेरा मेन टारगेट है ना, मेन टारगेट है यार, आज हमने मास्टर केज में एक नई चीज़ इंस्टॉल करनी है। क्या चीज़ इंस्टॉल करनी है, जो कि मैंने अपने कई एक दो वीडियो में बता चुका हूँ कि यार ये दरख्त जो है ना, खूबसूरत से दरख्त जो बड़ा हमने इनको संभाल के रखा हुआ था, ओए इंतजार भी बचना, तो इनको मैंने संभाल के रखा हुआ था, इनको मास्टर केज में मैंने इंस्टॉल करना है। काफ़ी अरसे थे यार, इधर से कटिंग वटिंग हुई थी ना, तो फिर मैंने कहा यार ये कहीं ना कहीं हमारे किसी ना किसी मिशन में काम आएगा। तो दोस्तों यार इसको मास्टर केज में हमने करना है इंस्टॉल। तो चलें जी इम्तियाज़ भाई उठाएं, मास्टर केज में लेके ना करें, मैं उठा लेता हूँ साथ। यार पहलवान है हमारा इम्तियाज़ यार, हर काम ये देखें ईजीली। उसने कहा मैं खुद ही उठा लूँगा यार। दोस्तों डोले शोले मेरे बने हुए हैं, लेकिन इम्तियाज़ बगैर डोलों के भी काम करता है यार, जान है तो जान है। तो दोस्तों यार यहाँ पे हमने ये प्लान किया, एक छिपकली भी है इसके बीच में, ओए 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 ये मुर्गियों के निशाने में आ जाएगी। मुझे अब ये छिपकली देखें दोस्तों, बिल्कुल उसी कलर की है, पता ही नहीं चला। वो देखें ये घूम रही है, ये घूम रही है। अब ये मुर्गियों का नाश्ता बनेगा, डिनर बनेगा, लंच बनेगा, पता नहीं क्या बनेगा। वो गई। अब देखें यार किस मुर्गी के नसीब में ये छिपकली आती है। ओहे ओहे अंदर, ओह ओ ओ ओ वो बसंती ने टारगेट किया। क्या होगा यार, ये बसंती के पास जाएगी, किसके पास जाएगी? ओ ऊपर चलेगी, अब नहीं आती। अब परिंदों के घोंसले में अंडे ना ख़राब कर दे यार। अब ये क्या, अब हमें समय पता नहीं यार, पता चले कि हमने कहा था मुर्गियों के नसीब में होगी, अब ये नहीं होता कि यार परिंदों के ना ख़राब कर दे। तू पकड़ ले उसको कहीं से, क्या हुआ इधर? ओ ये प्लम हेड इधर से कहाँ से आ गया, इसको क्या हुआ? ये तो यार सुस्त हुए। दोस्तों यार मैंने इनके लिए टारगेट सेट किया ना यार, वो बात ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया था एक दो वीडियो में कि यार ये कमज़ोर होते जा रहे हैं, वीक होते जा रहे हैं, तो इनको हमने सेपरेट करना है उस केज में दोनों पेयर को, क्योंकि यार ये एंड में आते हैं खाना खाने, उस टाइम खाना ख़त्म हो जाता है, तो ये बेचारे थोड़े से वीक हुए हैं, इसी वजह से कमज़ोर हुआ हुआ है। ओ ये सही कमज़ोर हुआ है, इसने तो यार वो करा दिया, मेरी बेस्ती करा दी यार, बेस्ती करा दी। मैंने तो शायद बहुत सुस्त हुआ, उसने यूँ उड़ के दिखाया। तो यहाँ पे पता नहीं कैसे है यार, शायद हो सकता है अंदर कहीं गया हो, बंद हो गया हो। यहाँ पे हमने एक इम्तियाज़ ने अपनी मेहनत करके ना यहाँ एक बड़ा सा गड़ा खोद दिया है। अब ऊपर शॉपर लगाने की साइंस इम्तियाज़ ने मुझे बताई जब मैं भी शॉक्ड हो गया। इम्तियाज़ मैंने कहा यार बहुत जल्दी ये दरख्त जलेगा नहीं, यानी कि अगर कीड़ा भी लग जाता है नीचे से तो दरख्त ख़राब नहीं होगा, तो ये इन्होंने एक अच्छा फार्मूला बताया। अब दोस्तों यार हमारा ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है, हम कह रहे हैं इसको यूँ रखें, इम्तियाज़ भी हटना, यूँ रखें तो थोड़ा सा ये रास्ता बंद हो जाता है, फिर सोचते हैं कि यूँ रखें तो बाहर का फ्रंट जो मास्टर केज की एंट्री है वो अच्छा रहता है, तो मेरे ख्याल में इस तरह ही रख लेते हैं थोड़ा सा, इतना ठीक है ना, इधर करके ताकि यार इधर बर्ड्स बैठे, मुर्गियाँ बैठे, हमें अच्छी लगे, प्यारी लगे। स्पेशली ये तितरियाँ यार, ये तितरियाँ जो है ना, ये तितरियाँ इस पर बैठें तो ये अच्छा लगेगा, इसलिए हमने यार इसको करना है अभी फिक्स, और यहाँ पे कर देनी है भराई, तो ये माशाल्लाह प्यारा हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। तो यार परिंदों को यार मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, ये देखें यार रोनियो, इंतज़ार की बात की है तो रोनियो को देखें यार, रोनियो आ चुका है। रोनियो देता हूँ तुम्हें कुछ, दो मिनट वेट कर जा मेरी जान। तो रोनियो यार आ जाओ, आ जाओ, तुम्हें फीड देता हूँ, रोनियो को भी भूख लगी हुई है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये लो रोनियो, चलिए इधर आओ, मैं दूसरों को दूँ, इस तरफ आओ। अब बाकियों को भी डालते हैं यार, ताकि यार
ये जो बेचारे अभी बुला रहे हैं ना मुझे, सबसे पहले इनका करता हूँ। तो दोस्तों यार आप लोगों का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा यार हमारा उस व्हील वाला सेगमेंट में, जो गेम थी उसमें आप लोगों ने बहुत इंटरेस्ट लिया और बहुत पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आप लोगों की बहुत सारी वोटिंग ये थी कि इसको रेगुलर बेसिस पे रखें, तो हम इंशाल्लाह वीकली बेसिस पे रखेंगे और इसी तरह की वीडियो से रेलिवेंट, जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं जो वीडियो वॉच करते हैं उनको बड़ा ईजीली पता होता है कि यार जवाब क्या था, तो इसी तरह यार नेक्स्ट कौन होगा लकी वन ये भी देखेंगे। और हर वीकली बेसिस पे हम लोगों ने सील के दिए, आंसर दिए, सिक्स दिए, फाइव दिए, बहुत सारे जिनको पता है क्या, बहुत सारे लोगों ने सिक्स दिए, किसी ने सेवन दिए, किसी ने फाइव दिए, लेकिन जो हमारे लवर और सब्सक्राइबर और फॉलोअर थे ना उनको पता था हमारे पास पाँच हैं, तो वो यार उनके जो आप ठीक थे, तो इसलिए यार अब नेक्स्ट वीक में हम इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये देखें हमारा मास्टर केज, देखें एक दफ़ा इस मास्टर केज को आगे पीछे कुछ भी हम पूछ सकते हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट वीडियो में कोई भी क्वेश्चन हमारी वीडियो से रेलिवेंट आपको पूछा जा सकता है। आए जी बर्ड्स को पहले उधर थोड़ा सा उधर भी डाल दें, हो गया फिक्स। वाह भाई इम्तियाज आपकी तो स्पीड बहुत तेज़ है। इम्तियाज भाई क्या लगता है कि ये फिक्स रहेगा? पीछे भी रौनक लग चुकी है, वो भी बुला रहे हैं मुझे। क्या असील यार, ये देखें यार मोहब्बतें हैं, देखें असील मुर्गे मुर्गियाँ और बतखें यार, मैं कहता हूँ यही प्यार हो ना इनमें, जब मैं इनको खाना डालूँ ना तो यार ये आपस में इसी तरह खुश रहें। तो अभी मैं बाहर निकलता हूँ, इनको भी खाना डालता हूँ। तो अंदर मास्टर केज में बर्ड्स को डाला है लेकिन मुर्गियों को अभी नहीं डाला, मुर्गियों को आके डालता हूँ। हाँ जी क्या लगता है जी, मजबूत है यार, सॉलिड है, मजबूत है, मजबूत है। अभी इम्तियाज़ भाई इस पर और भी ज़्यादा टाइट करके ना भराई कर रहे हैं, यानी कि वो जितना वो दबाएंगे ना उतना फिक्स होगा। तो दोस्तों यार आपको ये कैसा लगा ये बताना, और इस पर कौन सा पेंट किया जा सकता है वो भी आप बताना। ये तो आप बता रहे हैं कि इसको पेंट करेंगे, हम करेंगे, हम थोड़ा सा वो कह रहे हैं यार अंदर थोड़ा सा ना बच्चों ने घर बना लिए हैं, अब हम थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूज़ हैं कि वो सीज़न थोड़ा गुजर जाए तो पेंट करें, उसको इसलिए नहीं छेड़े। तो हमारे माइंड में भी है कि हमने इसको पेंट करना है लेकिन थोड़ा सा सेट हो जाए। तो दोस्तों यार बाहर निकलने से पहले ना यार एक दफ़ा मैं कह रहा हूँ यार इनमें एक दफ़ा ना अंडे अंडे चेक कर लूँ, क्योंकि यार फिर होता है टूट जाते हैं। सबसे पहले सिल्वर कोकोबंडम का चेक करते हैं यार, इसने अंडा ठंडा दिया कि नहीं। आगे कैमरा लेके चलते हैं, मोटे थोड़ा सा रास्ता दे दो बच्चों। नहीं कोई अंडा नहीं है इसका, यार बल्ब ख़राब हो गया दोस्तों, ये देखें टूट चुका है, इसका बल्ब भी चेंज करना है यार मैंने आज। अब दूसरा इसका चेक करें, इसका तो बल्ब ऑन है, इसका तो कैमरे से चेक हो जाएगा है, इसका भी नहीं है। इन्होंने यार वाइट बंटम ने एक अंडा दिया उसके बाद अंडा ही नहीं दिया, मुर्गे को भी अंदर रखते हैं यार, खिचड़ी बन गई। यहाँ रैबिट्स हैं, रैबिट्स को छोड़ते हैं, यहाँ बबली बंटी है, यहाँ ब्लैक बंटम है, ब्लैक बंटम का चेक करें यार। वो आर्टिफिशियल एग को छोड़ के बाकी देखिएगा, फोकस कीजिएगा कि यार उसने दिया कि नहीं दिया। दो ये आर्टिफिशियल हैं, तो यार रोनियो को लगी हुई है प्यास, रोनियो पानी पीने आया हुआ है। ओए पिजन्स क्या कर रहे हैं, ये किसका केस था? सिल्वर स्प्राइट का, सिल्वर स्प्राइट में चेक करें जी, सिल्वर स्प्राइट का बल्ब क्यों नहीं ऑन हुआ? बाकी बल्ब ऑन करना है यार, बल्ब हमारे पता नहीं क्यों ख़राब होते जा रहे हैं। और बबलू और बसंती एज़ यूजुअल, इससे उम्मीद तो नहीं की जा सकती लेकिन कोई सरप्राइज़ का पता नहीं होता, इनका सरप्राइज़ कब आएगा यार। दोस्तों एक सिर्फ यही रह गए, बाकी दोस्तों यार एक चेंजिंग आई है, समझ नहीं लगी यार दोस्तों, ये मैं कन्फ्यूज़ हूँ। ये कासिट कबूतर थे ना, ये इन्होंने अंडे दिए थे, मैं बहुत खुश था, और ये अंडों पर बैठे भी रहे हैं। अब उसी जगह पर यहाँ इनकी आपस में लड़ाई हुई है, वो डैनिश बैठ गए हैं, अब वो डैनिश उसी जगह पे बैठ गए हैं, अब वो पता नहीं कासिद के अंडे हैं या डैनिश के अपने अंडे हैं, अब ये नहीं समझ लगी ये क्या हुआ, आपस में इनकी लड़ाई हुई है, फैमिली प्लानिंग ख़राब हुई है, क्या हुआ ये कुछ समझ नहीं आई। जापानी का, हाँ जापानी का यार एक अंडा आया था, मैं बड़ा खुश था, आप देखें उसके बाद कोई आया, एक और आ गया, वाह रे जापानी, जापानी रे जापानी, जापानी ने यार दिल खुश कर दिया, जापानी ने फल फूल गया यार, ऐसा इसने डका लगाया हुआ था, अब ऐसा इसने अंडे देने शुरू किए, तो यार खुश हो गया, खुश हो गया जी माशाल्लाह। अब दो मुर्गियाँ दोस्तों, इनमें से ये नहीं कंफर्म कि किसका अंडा है। दोस्तों यार मैं जापानी का अंडा रखने लगा ना, तो यार ये असल में कबूतर परिंदे सारे यहाँ बैठते हैं ना तो गंदा कर देते हैं, हमारी ये इतनी अच्छी ट्रॉली, इतनी खूबसूरत ट्रॉली है ना, तो इसको यार वो गंद कर देते हैं सारा, फिर इसको साफ़ करना पड़ जाता है यार। ये भी खूबसूरत तभी लगेगी जब आप सफाई रखेंगे हर चीज़ की। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह यार हमारे अंडों का इधर काफ़ी सेटअप हो चुका है। ये देखें डक्स के अंडे इकट्ठे साथ भी नहीं आ रहे, वो इतने बड़े हैं तो हमें आगे पीछे रखने पड़ रहे हैं, ये यहाँ पे नहीं आ सकता, इसलिए अलग अलग करके रखे हुए हैं। सोनियो अंडा ना तोड़ देना, पीछे हो जाओ यार। मार्कर यार मेरा दो दिन से गायब हुआ है, एक जापानी की रो मैंने ये बिल्कुल कॉर्नर पे रखी हुई है, तो मार्कर यार मैं कल भी ढूंढता रहा लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए इसको रखता हूँ साइड पर। जापानी की ये रो है। तितरियों का काम चेक करें यार, क्या कर रहे हो यार तुम लोग आपस में,
नहीं करो, बतखें भी मेरा इंतजार कर रही हैं। लेकिन मैं कहता हूँ एक दफ़ा मास्टर केज से निकलूँ ना तो फिर यहाँ से, ये लो तुम लोग पानी पियो आपस में सुलह सफाई से। कल दोस्तों यार मैं भूल जाऊं, आप लोगों ने याद कराना कि ब्लैक बंटम को हमने लाजमी बाहर निकालना है यार। ये बेचारे ऐसी करते रहते हैं, इस पेयर को भी हमने कल लाजमी निकालना है बाहर। मैं कोशिश होती है यार दिन में एक टाइम सबको निकालूं, तो ये दो तीन दिन से बाहर नहीं आए हुए। ये माशाल्लाह हल्का सा जोर लगाता है दरवाजे को बाहर आ जाता है। इसका हमने इलाज भी सोचा था कि ताला लगा के रखें, इसके लिए हमने सिर्फ लॉक रखा हुआ है बबलू के लिए। यहाँ पे दोस्तों यार सबको फीड में डाल चुका हूँ, अब निकलते हैं बाहर मास्टर केज से, जो हमारी डक्स हैं वो इंतज़ार कर रही हैं। दोस्तों यार ये आ चुका है इनका खाना और ये बेताब हो रही हैं। आ जाओ आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ आ जाओ आ जाओ। असील भी आ जाए, सारे आ जाओ। ये असील के लिए, बाकी तुम लोगों के लिए इधर। कम से कम 5 से 6 केजी का यार ये है बॉक्स जो मैंने उठाया हुआ है, ये इसके लिए यार, क्योंकि यार ये माशाल्लाह खाती ज़्यादा है तो इनको रोकना नहीं है, हमने खिलाना है। आज भी खूब पतंगबाजी हो रही है, आपको पता नहीं नज़र आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन हमारा आपसे कमिटमेंट क्या थी, एक दिन, सिर्फ एक ही दिन हमने उड़ाई और खूब उड़ाई, उसके बाद हमने नहीं उड़ाई। इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, तुम लोगों के लिए इधर रोटियां हैं। बाकी जो शेरू है, उसकी मिसेज है, असील चूजे हैं, उन सबको डालनी है। चलो थोड़ा सा ले लो भाई, चले जाओ वहाँ मैंने खाना डाला है, भाग के जा। अच्छा यार ये ले, नहीं जाना इधर खा ले, यहाँ तक ये खाना खा के वहाँ से उठा के भाग के आ गई है। ये ले थोड़ा सा और ले ले, इधर आ, इधर आ, इधर आ, ये ले। दोस्तों ये वो असील चूजे थे जिसके बारे में मैंने पूछा था और आप लोगों का जवाब ठीक था। ओए माशाल्लाह देखो, शेरू की मिसेज ने अंडा दिया हुआ है, और तुझे मैं अब खाना देता हूँ यार, पहले भी दिया था अभी और देता हूँ। माशाल्लाह पोटे देखें भरे होते हैं असील का, जितना मर्ज़ी खिलाओ कोई टेंशन नहीं, खाते रहेंगे हम। एक मिनट रुको। और शेरू हाथ नहीं पीछे हो जा, बाकी रखते हैं जी असील चूज़ों के लिए। शेरू पीछे हो, वो देखें असील चूज़े हमारे, माशाल्लाह इनको अल्लाह ज़िंदगी दे। आप लोगों के कमेंट से 5 के 5 पूरे हैं, तो ये 5 के 5 दुआ कीजिएगा यार, पले फूलें और बड़े भी हो जाए यार। यार ओए भाई रुक जा, और रुक जा यार, एक मेरे दोस्त है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट हर चीज़ उसने ऐसी फिगर खींची कि आपके पास 2 ब्लैक हैं, 1 ब्राउन है, 1 ये है, उसने इस हद तक उसने नोटिस करके ना सारे कमेंट्स किए यार। तो ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं कि जो आप लोग वीडियो देखते हैं ना, उससे आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। उजैर पानी लेके आता है, हम चाहते हैं आपसे इजाज़त, जाने से पहले तुम अकेली इधर क्या कर रही हो, मैंने इतना खाना डाला है तुम यहाँ घूम रही हो, ये अपनी मस्त माहौल में है जी। पहुँचो, लंगर ऑन है, सीन ऑन है। तो दोस्तों यार जाने से पहले आपको ये बताऊँ, मैंने आपसे क्या कहा था कि ये देखना एक हफ्ते के अंदर अंदर कितना पलेगा और फूलेगा। ये माशाल्लाह यार बिल्कुल ग्रीन हो चुका है बिल्कुल, और इसके साथ ये शहतूत हैं, आई थिंक सो कि ये शहतूत हैं। जब ये पक जाएंगे ना तो दोस्तों यार आपका नाम ले लेके ना खाऊँगा। आपको कैसे भेज सकते यार, ख़राब हो जाते, वरना मैं भेज देता यार। तो दोस्तों यार टाइम हो गया इजाज़त का, गुड बाय का, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलूंगा। लेकिन जाने से पहले क्या करना है, हाथ देखें ना गंदे, मेहनत है भाई, इस मेहनत को ज़ाया नहीं करना, सब्सक्राइब करना है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, हमारे यार फैमिली का हिस्सा बने। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।